नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। रुपए दुगने करने के लालच में ठगी का शिकार, दोनों आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 20,000 रुपए और एक मोबाइल तथा गाड़ी भी बरामद की। बीते दिनों एक युवक को बनाया था ठगी का शिकार। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पलपल फतेहाबाद से राजेश फांबू की विशेष रिपोर्ट। रुपए दुगने करने के लालच में ठगी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20,000 रुपए की नकदी, एक मोबाइल और एक गाड़ी भी बरामद की। पुलिस ने दोनों को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि रतिया निवासी युवक राहुल ने शिकायत देकर के उससे हुई ठगी का मामला दर्ज करवाया था। राहुल के अनुसार सिरसा रोड पर एक होटल के समीप आरोपियों ने उसे रुपए डबल करने का लालच दिया और उसके पास से 20,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और उन्हें भुना रोड पर माजरा टी पॉइंट के समीप में काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान हिसार के परावली निवासी सतनाम तथा नाम और गांव जांडली निवासी बलराज के रूप में हुई है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। ये बस अड्डा चौकी इंचार्ज को राहुल नामक व्यक्ति निवासी रतिया ने पेश होकर के दरकार दी थी, जिसने बतलाया था कि पाली होटल के सामने दो व्यक्ति गाड़ी में सवार होकर आए थे और उससे 20,000 रुपये छीन कर भागे। रुपए दुगने करने का लालच देकर और 20,000 रुपये छीन कर जो है सब भागे, जो जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करके अपने विशेष सूत्रों से पताधरी करके और दोनों व्यक्तियों को माजरा रोड से काबू कर लिया और दोनों व्यक्तियों से जो है एक कार, एक मोबाइल और 20,000 रुपये छीने गए। ब्राह्मण पैसे दर्ज किया जिन्हें आज न्यायिक रास्ते में।